नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 जुलाई से मैं जो हमारे 11th 12th में सिलेबस जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना होता है 11th 12th के सिलेबस में एग्रीकल्चर में। तो अभी तक मैंने 6 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और अभी आज मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी। उसका सिलेबस जो 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया क्लास 11th का यूपी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आपको 2024 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि इसी सिलेबस से ही तो आएगा और सिलेबस से पढ़ना है आपको। और आप चाहे न्यू सिलेबस है, अब करेंगे यूपी बोर्ड 2024 टॉप। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ लेते हैं तो टॉप करना तो आपका हो ही जाएगा। तो देर ना करते हुए हम सिलेबस को शुरू कर लेते हैं। पहले 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ना है। 100% सिलेबस से पेपर होगा इस वर्ष 2024 में। तो ये है आपका सिलेबस, इसमें 5 इकाइयाँ दी गई हैं। मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि जो हमारी फिजिक्स है उसमें 5 इकाइयाँ होती हैं हमारी मेनली। पहला हमारा मैकेनिक्स, और दूसरा होता है हीट, तीसरा होता है लाइट, चौथा होता है वेव, पांचवा होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, हीट यानी ऊष्मा, लाइट मतलब होता है प्रकाश, वेव मतलब तरंग, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत। तो यही 5 इकाइयों के बारे में आपको पढ़ना होता है मेनली फिजिक्स में। तो वही यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 तृतीय प्रश्न पत्र सिद्धांत, इसमें हम 5 इकाइयों को डिस्कस कर लेते हैं क्या पढ़ना है। ये सिद्धांत यानी जो थ्योरेटिकल पेपर है आपका 50 नंबर का ये होता है और 17 नंबर पासिंग मार्क होता है। तो वही यहाँ पर आपको दिया गया है, सभी इकाइयाँ 10-10 नंबर की हैं, तो 50 नंबर यहाँ पर आपका हो जाता है। वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या होता है आपका इकाई फर्स्ट, जो आपका मैकेनिक्स से शुरू होता है उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सिलेबस शुरू कर लेते हैं, जिससे कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। सिलेबस शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला इकाई यहाँ पर, इकाई जो हमारी पहली हो जाएगी, सामान्य मात्रक मापन बीमा, बीमा के उपयोग, वर्नियर तथा सूक्ष्म मापी पैमाने, बलों का संगठन और विघटन बल, समांतर बल, बल युग्म, बल का आघूर्ण जो टॉर्क होता है बल का आघूर्ण वो, और बल युग्म यानी कपल ऑफ द फोर्स वो, और पैरेलल फोर्स यानी समांतर बल, ये आपका 10 नंबर की होती है पहली इकाई। और दूसरी इकाई आपकी है वेग तथा त्वरण, जो आपकी वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको वेग और त्वरण के बारे में पढ़ जाता है। वेग यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके बारे में आपको पढ़ना है, पढ़ लेना है, और संवेग के नियम पढ़ना है, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वजनित त्वरण, वृत्तीय गति, अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल, उपग्रह का कक्षीय वेग, पलायन वेग, द्रवों का भार, कोशिकत्व तथा बल, तनाव, वायुमंडलीय दाब, वायुदाब मापी, ठोस द्रव का आपेक्षिक घनत्व, बोतल, निकल्सन हाइड्रोमीटर। और तीसरी आपकी यूनिट हो जाएगी घर्षण और उनके नियमों के सरल उदाहरण, सरल मशीनों जैसे घिरी तथा उत्तोलक, साधारण पंपों का कार्य चालन, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, जो आपकी वर्क पावर एंड एनर्जी होती है उसके बारे में, ऊर्जा तथा ताप संवहन, चालन तथा विकिरण, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा संवाहकर्ता, आपेक्षिक ऊष्मा, मिट्टियों के विशेष संदर्भ में, ऊष्मा के कारण मिट्टी के भौतिक परिवर्तन जब का फिजिकल चेंजमेंट होता है मिट्टी का वो, और गुप्त ऊष्मा एवं कार्य में संबंध, ओसांक यानी उस ऐसांक जिस पर जो हमारा पदार्थ है वो ओस बनने लगता है वही ओसांक, आपेक्षिक आर्द्रता और इसका निवारण। ये हमारा जो है तीसरी इकाई में मैंने हमारी क्लाइमेटोलॉजी दी हुई है, जलवायु विज्ञान।
तो मेघ, कुहरा, कुहासा, पाला, हिम, ओला आदि की रचना, मौसम पूर्वानुमान पर प्रारंभिक विचार, उष्मा और कार्य से संबंध, ये सभी आपको 10-10 अंक की इकाई, तीसरी इकाई पर भी 10 अंक आपको मिलता है, पहली पर 10 अंक, दूसरी पर 2 अंक, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब पर 10-10 अंक की इकाइयाँ हैं यहाँ पर। और चौथी इकाई हमारी प्रकाश, यानी जो हमारी ऑप्टिक्स होती है प्रकाश की, उसके बारे में, प्रकाश संचरण के नियम, सम तथा गोली तलों से परावर्तन तथा वर्तन तल, लेंस, सूक्ष्मदर्शी, अवरक्त, पराबैंगनी तथा दृश्य विकिरण पर प्रारंभिक विचार, व्यतिकरण जो हमारा पोलराइजेशन होता है, व्यतिकरण एवं ध्रुवण, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, उसके बारे में कि संक्षिप्त जानकारी, ध्वनि वेग आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में संबंध, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, अनुप्रस्थ यानी जो हमारी तरंगे होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में संबंध, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा, आवृत्ति आवर्त काल में संबंध, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, जैसा कि हमारी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे जो हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, हमारी मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आती हैं, यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत, उसमें हमें ये दोनों आपको जो हमारी वेव वाली यूनिट है उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना होता है आपको, यानी आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उसका मतलब ये होता है कि जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं तब अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करेंगे तो वो आपका अनुदैर्ध्य तरंगें हो जाएगी, उसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। और यही उसके इस पर भी आपको 10 अंक मिलती है। और पाँचवीं इकाई जो आपकी लास्ट यूनिट है उसमें आपके विद्युत, जो हमारा वैद्युत होता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ना होता है। विद्युत प्राथमिक तथा संचालक सेल, धारा, वोल्टता और प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, शक्ति के यांत्रिक एवं विद्युत मापकों के संबंध, विद्युत मात्रक, विद्युत के उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, विभव मापी का संक्षिप्त अध्ययन, ये आपका 10 अंक का हो जाएगा। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है 50 नंबर की, और हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल, क्योंकि वो भी 50 अंक का आपको देखने को मिलता है, तो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे प्रैक्टिकल में दोस्तों 16 नंबर पासिंग मार्क होता है और थ्योरी में आपको 17 नंबर पासिंग मार्क होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है लंबाई क्षेत्रफल सहित आयतन तथा घनत्व का शुद्ध निर्धारण, कैलिपर्स पेचमापी तुला तथा वर्गीकृत पत्र का प्रयोग, समांतर चतुर्भुज का नियम का सत्यापन, उत्तोलक के सिद्धांत का सत्यापन, द्रवों का अपेक्षित घनत्व निकालना, बॉयल वायुदाब मापी, बैरोमीटर, पढ़ने का अभ्यास। और अगला है यहाँ पर घनत्व बोतल का प्रयोग, यथार्थ तथा आभासी घनत्वों का निकालना एवं मिट्टी का रंध्रावकाश जो पोर स्पेस होता है वो। और अगला है विभिन्न तापमापक के गठन का अभ्यास, विशिष्ट उष्मा निकालना, गुप्त उष्मा निकालना, ओसांग तथा अपेक्षिक आर्द्रता निकालना। अगला हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन दर्पण के तलों लेंसों का नाभ्यांतर फोकस दूरी निकालना, वर्तनांक निकालना। अगला हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट साधारण सेल बनाना, वोल्ट मापी तथा अमापी जो होता है एमीटर की विधि एवं मीटर सेतु से प्रतिरोध की माप श्रेणी तथा माप समांतर क्रम में लैंपों का जोड़ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और द्वारा दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। और यहाँ पर बुक के बारे में कुछ नहीं दिया गया, पर लिखा गया है कि संस्तुत पुस्तकें, कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है, विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें, ये यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ यूपी में मेनली दो बुक जो है देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में 11th 12th में, पहली हमारी ज्ञान पब्लिकेशन की और दूसरी भारत भारती की हो जाएगी, यही दोनों आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और इसमें भी ज़्यादातर आपको भारत भारती की देखने को मिलती है, तो इनमें से आप जो भी बुक लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मतलब किसमें कितना नंबर मिलता है, जो क्रम होता है अंकों का वो यहाँ पर दिया गया, अंकों की सारणी यहाँ पर
भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कृषि भाग एक न्यूनतम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पासिंग मार्क 16 नंबर होता है वही दिया गया है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 16, समय 3 घंटा, अधिकतम अंक 50, और 50 की अपनी थ्योरी होती है। तो यहाँ पर 25 अंक जो है आपका वाय परीक्षक द्वारा देय होता है वही यहाँ पर दिया गया है। पहला है एक प्रमुख एवं एक सहायक परीक्षण, इस पर आपको 17 अंक दिया जाता है, और मौखिकी जो वाइवा आपसे लेते हैं उस पर 8 अंक दिया जाता है, पूरा 25 अंक आपका होता है। और आंतरिक परीक्षक जो है वो आपको 25 अंक देते हैं, उसमें है आपका अभ्यास पुस्तिका पर 8 अंक दिए जाते हैं, और प्रोजेक्ट तथा इस पर आधारित मौखिकी पर 10 अंक, यानी जो प्रोजेक्ट होगा उससे भी, उससे अंतर्गत भी आपको वाइवा आपसे लिया जाएगा, और सत्रीय प्रयोगात्मक कार्य पर 7 अंक, ये भी आपका कुल 25 अंक हो जाता है। और फिर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे उन विद्यालयों के संबंधित विषय के अध्यापकों, अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50% अंक प्रदान किए जाएंगे, शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे। ठीक है, तो यही आपका पूरा सिलेबस था जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, यही आपको पढ़ना होता है। तो ठीक है, अब यहाँ से आपका सिलेबस जो है खत्म होता है, यही आप पढ़ेंगे तो आप जरूर इस, अगर सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ते हैं, और ये समय जो है ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, 7 जुलाई है, तो इस समय से अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ठीक है, मिल लेते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब 11 जुलाई को जनरल हिंदी की वीडियो आपको प्राप्त होगी, 11 जुलाई को जो 12th में जनरल हिंदी पढ़ाई जाती है उसकी, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। और इससे पहले भी मैं 6 वीडियोस अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, पहला 11th एग्रोनॉमी, 12th एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, और हमारा फिजिक्स, ये तो है ही, फिजिक्स हो ही जाएगा, और हमारा जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, और एग्रीकल्चरल बॉटनी और एग्रीकल्चरल जूलॉजी, इन सभी का सिलेबस जो है वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर देख लेंगे। और मिल लेते अगले वीडियो में। और 2 वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, उसमें एक वीडियो में मैंने 19 पार्ट 1 उसका मैंने नाम दिया, उसमें 16 क्रॉप को और दूसरे पार्ट में 19 क्रॉप को कवर किया, इसे आपको एग्रोनॉमी तथा हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनका बेसिक आउटव्यू मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। और मिल लेते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहें सिलेबस।